सबसे पहले मैं आप सबको ये बताऊंगा रीजन कि हम यहाँ पे क्यों सब असेंबल हुए हैं। आप सबको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने 4 दिसंबर को यानी कि परसों शाम को जेके पीएससी मेंस कंबाइंड कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन मेंस 2016 का मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। एंड टू आवर अटर शॉक हमारे जो है जो मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट्स जिनको ऑलमोस्ट ये श्योर था कि हमारा होना ही होना है हो जाएगा उनका अटर शॉक ये है सबसे बड़ा कि दे आर आउट। इस मैं जो डिजर्विंग की बात कर रहा हूँ इसमें मैं उनको रख रहा हूँ जिन्होंने दो दो तीन तीन बार केएस का मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू से 5-10 नंबर से रह गए हैं। ये वो डिजर्विंग है। प्लस ये वो डिजर्विंग है जिन्होंने आईएएस का मेंस 2-3 बार क्वालिफाई किया है और इंटरव्यू दिया है। ठीक है, तो दे वर द स्पेशलिस्ट इन देयर सब्जेक्ट्स, उनको ड्रॉप किया गया है और नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट्स इन है। और ये नॉन डिजर्विंग कौन है उसकी मैं आपको बताता हूँ। ये वो है कैंडिडेट्स जो मेंस फर्स्ट टाइम दे रहे थे और जो एग्जाम के बाहर रो रहे थे, वो उसमें से बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, हम सबके फ्रेंड्स हैं, वो मेंस के बाहर रोते थे और वो बोलते थे हमारा हो ही नहीं सकता। ये वो है जिनका जीएस का पेपर 100, 100, 120 का सीधा सीधा छूट गया है। ये वो है जिनका ऑप्शनल का पेपर सीधा सीधा 100, 150, 150 का सीधा सीधा छूट गया है। और जो डिजर्विंग है वो है जिन्होंने थर्ड टाइम या सेकेंड टाइम या फोर्थ टाइम मेंस दिया है और उन्होंने पूरा पेपर तो किया ही किया है, फुल अटेम्प्टेशन तो की है, प्लस ऑल द रिक्वायरमेंट्स फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स सब कुछ डाला है। डिमांड और फर्दर एक्शन करें। हमारी डिमांड ये है कि ये रिजल्ट जो है ये टोटली बाइस रिजल्ट है, इसमें बहुत प्रॉब्लम है, ये बहुत फुल ऑफ एरर्स है, फुल ऑफ डिस्क्रिपेंसीज है। पीएससी इमीडिएटली इसको स्टॉल करे इस प्रोसेस को और इस पे एक इंक्वायरी बिठाए कि इस रिजल्ट में इतनी बंगलिंग हुई कैसे है। अगर पीएससी की तरफ से कोई ह्यूमन एरर हुआ है तो वो उसको भी ठीक करे, ये हमारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसा हम ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम आज तक ये प्रोटेस्ट वगैरह में नहीं शामिल हुए लेकिन हम इससे बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं। वो भी बच्चे हैं जो 5-5 साल इस प्रोसेस को दिया है और लास्ट में उनको आउट किया गया है। और जो इन है वो टोटली वो बंदे हैं जो अनश्योर थे कि हमारा होगा ही नहीं। देवर अनश्योर नॉट ऑफ क्वालिफिकेशन, देवर इवन अनश्योर ऑफ नॉट क्लियरिंग द मेंस।